रसम के प्रिय भैयाओं, हम लोग का छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आइए आज हम उसका एक्सरसाइज हल कर लेते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। चलिए आज हम मोर एलिमेंट्स इन एचटीएमएल के एक्सरसाइजेस को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है, राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज्ड इन एचटीएमएल। यहाँ नीचे कुछ टैग दिए गए हैं, उनका एब्रिविएशन देना है, यानी कि एक्सपेंशन देना है, जिसमें पहला है यूएल, दूसरा है एलआई, तीसरा है डीएल एंड चौथा है बीआर। आइए इसका एक्सपेंशन हम लिख लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज्ड इन एचटीएमएल आर एज फॉलोज। यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, एलआई यानी कि लिस्ट आइटम, डीएल यानी कि डेफिनेशन लिस्ट और बी आर यानी कि लाइन ब्रेक। यह चारों टैग के एक्सपेंशन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, डेफिनेशन लिस्ट एंड लाइन ब्रेक। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, व्हाट आर द कमेंट इन एचटीएमएल। कमेंट क्या होता है एचटीएमएल में, हाउ इज इट गिवेन इन ए कोड, और इसका कोड हम एचटीएमएल में कैसे देते हैं। कमेंट के बारे में आपको बताया गया है, कमेंट आर द टेक्स्ट इन एचटीएमएल कोड व्हिच इज नॉट डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर ऑन द वेब पेज। कमेंट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि वेब ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले नहीं होते हैं वेब पेज में। इसका जो कोड होता है, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन होता है, इट इज गिवेन इन ए कोड एज फॉलोज, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे और आगे कुछ भी लिखेंगे वह वेब ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले नहीं होगा। हमारा एचटीएमएल पार्सर जैसे ही एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन देखेगा उस लाइन को स्किप कर जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच टू टैग आर यूज फॉर एडिंग कमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। यह प्रश्न गलत है क्योंकि दो टैग नहीं होते हैं एचटीएमएल में कमेंट देने के लिए, एक ही टैग होता है और उसी एक टैग के बारे में हम लिखेंगे। द टू टैग इसको हटा देंगे, इसको टू हटा देंगे। द टैग विच आर यूज फॉर एडिंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एडिंग कमेंट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आर, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन और उसके आगे कुछ भी लिखेंगे वह ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन ही हमारा कमेंट टैग होता है। चलते हैं चौथे प्रश्न को देखते हैं। इवन दो कमेंट आर इग्नोर्ड बाई द कंपाइलर, व्हाई डू यू थिंक कमेंट आर रिक्वायर्ड इन एस टी एम एल पेज। जो जब हम कमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में देते हैं तो वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आप यह बताइए कि इसकी आवश्यकता क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इवन दो कमेंट आर इग्नोर्ड बाई द कंपाइलर, दे आर रिक्वायर्ड इन एस टी एम एल पेज टू एड रेफरेंस इन द वेब डॉक्यूमेंट। कमेंट का प्रयोग जो डिजाइनर्स होते हैं वो ओन रेफरेंस के लिए देते हैं, अपनी समझ के लिए देते हैं कि कहाँ पर हमने कौन सा काम किया है, इसलिए कमेंट आवश्यक है ओन रेफरेंस के लिए, या हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे के पास जाएगा तो उसके समझने के लिए कमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम दे आर ऑल्सो यूज टू हाइड सम इन्फॉर्मेशन, हाइड सम ऑफ द वेब पेज कॉन्टेंट वेन दे आर नॉट टू बी रिमूव्ड परमानेंटली। अगर हमारे पेज में कोई डाक कॉन्टेंट है उसे हम हटाना चाहते हैं, यानी कि दिखाना नहीं चाहते लेकिन कोड अपने पेज में रखना चाहते हैं, तो उसको जो है हम कमेंट की बॉडी में ले लेते हैं, तो हमारे ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले भी नहीं होता है और हमारे प्रोग्राम में रहता भी है। अगर किसी कंटेंट को टेम्पररली हटा करके आउटपुट देखना चाहते हैं तब हम कमेंट का यूज़ करके उसे हाइड कर लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो कमेंट हटा देते हैं तो वो ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाता है। अब आता है छठा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यहाँ स्किप किया गया है क्योंकि पांचवा प्रश्न पिछले चैप्टर से रिलेटेड है और उसका आंसर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में लिखा था, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया है, उसको नहीं लिखना है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन्स विच टैग विल यू यूज, पी आर बी आर। आपको एक नया लाइन इंसर्ट करना है तो आप पी टैग का यूज करेंगे कि बी आर टैग का यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम बी आर एलिमेंट का यूज करेंगे।
चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बीआर यानी कि लाइन ब्रेक टैग इज यूज्ड। इसका आंसर आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। एक्सपेंड द फॉलोइंग टैग इन एचटीएमएल, टैग पी एंड बीआर। तो पी का होता है पैराग्राफ टैग और बीआर का होता है लाइन ब्रेक। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। पी स्टैंड फॉर द पैराग्राफ टैग व्हाइल बीआर स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक टैग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, हाउ कैन यू इंसर्ट हॉरिजेंटल लाइन इन ए वेब पेज। आप हॉरिजेंटल लाइन वेब पेज में कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हम सभी को पता है कि एचआर टैग होता है जिसे हम हॉरिजेंटल रूल कहते हैं और उसी के माध्यम से हम हॉरिजेंटल लाइन अपने पेज में इंसर्ट करते हैं। आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर तो हमें पता है, हॉरिजेंटल लाइन कैन बी इंसर्टेड इन ए वेब पेज बाय यूजिंग एचआर टैग। चलते हैं नौवे प्रश्न को देखते हैं। नौवा प्रश्न है, हाउ विल यू डिफाइन बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट। हालांकि इसका डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया है, चलिए इसका डिस्कशन कर लेंगे। बोल्ड के लिए बी टैग होता है, इटैलिक के लिए आई टैग होता है और अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है। जहां तक हमें बोल्ड करना होता है उसको बी की बॉडी में ले लेंगे, जहां से जहां तक अंडरलाइन करना होता है आई की बॉडी में ले लेंगे, और जहां से जहां तक हमें अंडरलाइन करना होगा उसे हम उन कंटेंट को यू की बॉडी में ले लेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बोल्ड एलिमेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग बी टैग, इटैलिक एलिमेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट में आई टैग, एंड अंडरलाइन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग एंगुलर ब्रैकेट में यू टैग। चलते हैं दसवें प्रश्न पे। दसवां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट इन ए लिस्ट। इन लिस्ट दो लिस्ट होती है, एक्चुअल में तीन लिस्ट होती है, लेकिन स्टार्ट और टाइप, स्टार्ट का यूज हम ऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं, टाइप और स्टार्ट का यूज हम ऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम केवल टाइप का यूज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप का प्रयोग हम क्रमांक का स्टाइल बदलने के लिए करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम बुलेट बदलने के लिए करते हैं, और स्टार्ट का यूज हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट में करते हैं, और स्टार्ट का यूज हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। टाइप एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट टू बी डिस्प्लेड इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप का हम बुलेट की लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ऑर्डर का स्टाइल देने के लिए करते हैं। एंड टाइप ऑफ नंबरिंग टू बी डिस्प्लेड इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन ऑर्डर्ड लिस्ट। कहां से हमें यह लिस्ट स्टार्ट करना है उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द लिस्ट। ग्यारहवां प्रश्न, व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, व्हाट डज एलआई मींस। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और एलआई का मतलब क्या होता है? आंसर देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट इज ए लिस्ट आइटम इन अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल एंड रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म। ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें क्रमांक होते हैं, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है यानी कि ए बी सी डी हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है, या रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिस्ट बना सकते हैं, और एल आई मीन्स होता है लिस्ट आइटम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बारहवां प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ फंड टैग इन एचटीएमएल। फंड टैग का यूज हम एचटीएमएल में की व्हाट इज द यूज ऑफ फंड टैग इन एचटीएमएल कोड। फंड टैग का यूज एचटीएमएल कोड में क्या होता है? राइट एनी टू कंपोनेंट यूज्ड इन दिस टैग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फंड टैग इन एचटीएमएल कोड इज यूज्ड टू चेंज द स्टाइल साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द वेब पेज।
फॉन्ट टाइप का यूज हम वेब पेज में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट का स्टाइल बदलने के लिए, साइज बदलने के लिए और कलर बदलने के लिए करते हैं। टू कंपोनेंट ऑफ फॉन्ट टैग आर फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट के माध्यम से हम फॉन्ट का फेस बदलते हैं। इट इज यूज टू चेंज द टाइप फेस ऑफ द टेक्स्ट इनक्लोज इन द फॉन्ट टैग। और दूसरा हमें देना है कलर एट्रीब्यूट। इट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के माध्यम से हम वेब पेज में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका साइज बदलते हैं, उसका टाइप फेस बदलते हैं और उसका कलर बदलते हैं। और यहाँ पर उसके दो एट्रीब्यूट दिए गए हैं, फेस एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट, जिसके बारे में आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया 14वां प्रश्न, क्योंकि 13वां प्रश्न पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, उसको कॉपी पर नहीं करना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टैग। इसके फुल फॉर्म लिखना है, li का लिखना है, a टैग का लिखना है, sup का लिखना है और vlink का लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टैग। यहाँ पर कुछ टैग दिए गए हैं जिनका फुल फॉर्म हमें बताना है। li है, li टैग है, a टैग है, sup टैग है और वी लिंक है। चलिए इनका हम एक्सपेंशन करते हैं। li टैग स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, वही प्रश्न बार बार आ रहा है। दूसरा है a को हमने पढ़ा है कि इसे हम एंकर एलिमेंट बोलते हैं। a टैग स्टैंड फॉर एंकर। तीसरा है sup, ये नया आया है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। यह सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है, sup यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, और sub मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। और चौथा है वी लिंक, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर HTML स्टार्ट हुआ था, वी लिंक यानी कि विजिटेड लिंक। चलते हैं 15वें प्रश्न को देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फॉन्ट साइज टैग एंड फॉन्ट साइज टैग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ ईच। बेस फॉन्ट की साइज और फॉन्ट की साइज टैग के बारे में हम उदाहरण के साथ समझाना चाहते हैं, अंतर बताना है। यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। द बेस फॉन्ट साइज टैग इज यूज टू सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट विच इज अप्लाइड टू द होल डॉक्यूमेंट। अगर हम बेस फॉन्ट से साइज एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो वह हमारे पूरे पेज के लिए अप्लाई होती है, जबकि फॉन्ट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के लिए होता है। फॉन्ट साइज टैग इज यूज टू सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इनक्लोज्ड बिटवीन द फॉन्ट एंड / फॉन्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। बेस फॉन्ट से हमारे पूरे पेज के फॉन्ट की सेटिंग होती है, हालांकि फॉन्ट से जो ब्लॉक होते हैं उस ब्लॉक के फॉन्ट साइज, फेस और कलर की सेटिंग होती है। चलते हैं एक उदाहरण देख लेते हैं। बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू 7 आर्मी पब्लिक स्कूल BR, फॉन्ट साइज 4 और ब्लॉक में टेक्स्ट दिया गया है और / फॉन्ट BR। तो बेस फॉन्ट से हमारे पूरे पेज की फॉर्मेटिंग हो जाएगी और फॉन्ट से जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा उसकी फॉर्मेटिंग होगी। बेस फॉन्ट से द वेलकम टू द HTML कोडिंग। इन द अबव कोड द टेक्स्ट आर्मी पब्लिक स्कूल एंड वेलकम टू HTML कोड विल बी डिस्प्लेड इन द साइज 7, व्हाइल द टेक्स्ट बेंगुडबी विल बी डिस्प्लेड इन साइज 4। पूरे पेज की जो फॉर्मेटिंग होगी, चूंकि बेस फॉन्ट में साइज 7 दिया गया है तो 7 से होगा, लेकिन साइज 4 फॉन्ट का दिया गया है तो उसके ब्लॉक में जो कोड होंगे वह साइज 4 से आएंगे। चलते हैं 17वां प्रश्न। 16 प्रश्न भी हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए उसको नहीं करना है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टैग। पहला ol, ol का फुल फॉर्म बताना है यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा टैग है a यानी कि एंकर लिस्ट। तीसरा है img जो कि 7वें चैप्टर में हमें पढ़ना है, प्रश्न आ गया है 6ठे चैप्टर में। और चौथा है पी यानी कि पैराग्राफ टैग। इन सबों का एक्सपेंशन हम देख लेते हैं। ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट,
ए स्टैंड फॉर एंकर लिस्ट, IMG स्टैंड फॉर इमेज एंड P स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। चलते हैं अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग HTML टैग एंड ब्रीफली डिस्क्राइब देयर पर्पज इन HTML डॉक्यूमेंट। इन सारे एलिमेंट के को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है और उसका पर्पज भी बताना है, जिसमें पहला है पैराग्राफ, दूसरा है लिस्ट आइटम, तीसरा है इटैलिक और चौथा है बोल्ड। चलिए हम इन सब का डिस्क्रिप्शन और एक्सपेंशन देख लेते हैं। पी टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग होता है पी। इट इज यूज टू सिग्नल टू स्टार्ट ए पैराग्राफ। जहां पर हम पी टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ। इट इज यूज टू सिग्नल टू स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ। जहां एंगुलर ब्रैकेट में पी होता है वहां से पैराग्राफ स्टार्ट होता है और यह सिग्नल देता है कि यहां से नया पैराग्राफ शुरू होता है। द एंड ऑफ द पैराग्राफ इज स्पेसिफाइड बाई द स्लैश पी। पैराग्राफ के अंत में हम स्लैश पी टैग का यूज करते हैं। दूसरा है LI। LI टैग स्टैंड फॉर द लिस्ट आइटम। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द आइटम इन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम, और हमारे जितने भी ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं उनके लिस्ट आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए हम LI टैग का यूज करते हैं। और तीसरा है आई। आई यानी कि इटैलिक्स। आई टैग स्टैंड फॉर इटैलिक। इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इनक्लोज बिटवीन आई एंड स्लैश आई इन इटैलिक। आई और स्लैश आई के बीच में जो भी कंटेंट होंगे वो इटैलिक्स फॉर्म में आएंगे। और चौथा है बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इनक्लोज बिटवीन बी एंड स्लैश बी। बी और स्लैश बी के बीच में जो भी कंटेंट आएंगे वह बोल्ड में डिस्प्ले होंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के एक्सरसाइजेज, जिनको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करके अपना छठा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।